कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिरंगा सैंडविच बनाना बताऊंगी, जो झटपट तैयार हो जाती है। आइए बनाते हैं और उसके सबसे पहले जान लेते हैं उसकी सामग्री। ये मैंने 4 स्लाइस ब्रेड ली है, जिसका मैंने ब्राउन भाग हटा दिया है काट के। बटर 2 चम्मच, टोमेटो सॉस, काली मिर्च पाउडर, सादा नमक, थोड़ी धनिया पत्ती जिसे मैंने धो के काट लिया है, क्रीम आधा कटोरी, आधा कटोरी गाजर जिसे मैंने छील के घस लिया है, 1 टमाटर जिसे मैंने उबाल के इसका पेस्ट बना लिया है पीस के, और आधा कटोरी पनीर जिसे मैंने घस लिया है, और ये धनिया और पुदीना की चटनी। तो आइए हम बनाते हैं तिरंगा सैंडविच। सबसे पहले मैं ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाऊंगी। मक्खन फैला देती हूँ। देखिए, मैंने ब्रेड पे बटर लगा लिया है। सबसे पहले मैं ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था उबाल के, इसमें मैं टोमेटो सॉस मिलाऊंगी, और ये जो गाजर है मैं 2 चम्मच मिलाऊंगी। मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसे इस ब्रेड पे लगा दूंगी। अब मैं इसके ऊपर दूसरी ब्रेड की स्लाइस रख दूंगी, फिर मैं इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। मैंने ब्रेड पे बटर लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने पनीर घसी थी, मैं ये अच्छे से फैला देती हूँ। मैंने पनीर इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। मैं चारों तरफ फैला देती हूँ क्रीम। मैंने क्रीम लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर चुटकी भर काली मिर्च, मैंने टमाटर वाले में काली मिर्च नमक नहीं डाला था, क्योंकि टोमेटो सॉस में खुद नमक था, इसलिए मैंने, अगर आप चाहते हैं तो काली मिर्च उसमें भी डाल सकते हैं। सादा नमक मैंने डाला है। अब मैं एक ब्रेड स्लाइस फिर इसके ऊपर रख देती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। देखिए, मैंने बटर लगा दिया है। अब मैं ये हरी चटनी में जो मैंने धनिया की पत्ती काटी थी, मैं वो डाल दूंगी, और 1 चम्मच मैं मलाई डाल दूंगी। मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसे इसके ऊपर फैला देती हूँ। ये देखिए, मैंने ग्रीन चटनी लगा दी है। मैं इस पर काली मिर्चा और नमक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि चटनी में ऑलरेडी नमक मिर्चा सब है। अब मैं ये ब्रेड इसके ऊपर रख देती हूँ, और उसके बाद मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। तिरंगा सैंडविच तैयार है खाने के लिए। तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।